हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक फिट रहने के लिए अगर आप जिम वगैरह नहीं करते, कुछ भी आपके पास टाइम वगैरह कम होता है, तो फिट रहने के लिए आप कितनी रनिंग करें। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता है, जो भी नया पर्सन फिट रहने के लिए रनिंग स्टार्ट करता है वो काफ़ी स्लो करता है, बहुत ही ज़्यादा स्लो, यानी कि अपना 1 किलोमीटर जो होता है वो 8-9 मिनट लगा देता है पूरा करने में। वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ किस तरह की नया पर्सन रनिंग स्टार्ट करता है। तो दोस्तों, वीडियो में आपने देखा किस तरह जो नया पर्सन है, ज़्यादातर जो लोग हैं, इस तरह वो रनिंग स्टार्ट करते हैं। इससे क्या होता है, आपके जॉइंट वगैरह ठीक रहते हैं। अच्छी बात है, आपने स्लो स्टार्ट किया है, धीरे धीरे आप अपनी पेस रनिंग की बढ़ा सकते हैं और धीरे धीरे आपका जो फिटनेस लेवल है उतना ही अच्छा होता जाएगा। स्टार्टिंग में अगर आप इस स्पीड से रनिंग करेंगे तो आपके जॉइंट वगैरह के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आपने फिटनेस, आपने फैट लॉस करना है, तो उसके लिए इस तरह की जो इस पेस के ऊपर रनिंग है ये काफ़ी आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, जैसे 7-8 किलोमीटर, तब जाकर थोड़ा असर होगा। ये स्टार्टिंग में सही है रनिंग, जो मैंने अभी आपको करके दिखाई है, तो स्टार्टिंग में ये आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद आप अपनी पेस बढ़ा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, मैं आपको दूसरा स्टेप रनिंग का बताता हूँ, अगर आप स्टार्टिंग कर सकते हैं तो किस पेस के साथ आपको स्टार्ट करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये जो आपने पेस देखी है, ये जो 1 किलोमीटर आता है वो 5 से 5.5 मिनट के बीच 1 किलोमीटर कवर हो जाता है इस पेस के साथ, जो मैंने अभी आपको करके दिखाई है। तो ये कम से कम आप 3 से 3.5 किलोमीटर अगर डेली करते हैं तो वेट लॉस में, फैट लॉस में आपकी ये काफ़ी हेल्प करती है। 1-1.5 महीने बाद आप अपना काफ़ी जो वेट है वो लॉस कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, इस पेस के साथ अगर आप रनिंग करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, 3 किलोमीटर इस पेस के ऊपर जाना नए पर्सन के लिए थोड़ा मुश्किल है, 1-1.5 किलोमीटर तक सांस फूलने लग जाती है काफ़ी। तो अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर से कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा इस पेस के साथ आप स्टार्ट करें। उसके बाद दोस्तों, अभी मैं आपको जो थर्ड स्टेप है रनिंग का, वो आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको पेस के ऊपर भागकर अभी दिखाया है, इसका जो 1 किलोमीटर है वो आराम से 4:20 से 4:25 के बीच कवर हो जाता है। ठीक है, अगर आप इस पेस के ऊपर रनिंग कर रहे हैं तो 2.5 किलोमीटर इनफ है फिटनेस के लिए। इससे आप अपना महीने में कम से कम 3 से 4 केजी तक वेट लॉस कर सकते हैं, अगर आप 2.5 किलोमीटर आप रनिंग कर रहे हैं। ठीक है, मैं खुद जो इस पेस के साथ रनिंग करता हूँ, ज़्यादा से एक दिन 3 किलोमीटर करता हूँ, जिस दिन स्लो करता हूँ जिसमें 1 किलोमीटर 5-5.5 मिनट में कवर होता है, वो मैं 5 किलोमीटर कर जाता हूँ। एक दिन मैं इस पेस के साथ करता हूँ, एक दिन मैं स्लो पेस के साथ रनिंग करता हूँ। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी मैं वर्कआउट छोड़ देता हूँ तो मेरा जो वेट है वो काफ़ी जल्दी गेन होता है, लेकिन मैं इस पेस के साथ जब रनिंग करता हूँ 1 महीना रेगुलर, उतना ही जो वेट है मैं 5-6 केजी अपना वेट कम कर लेता हूँ इस पेस के साथ। ठीक है, तो अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप जो मैंने पेस आपको दौड़कर दिखाई है, जिसमें आपका 1 किलोमीटर 5-5.5 मिनट में आप कवर करते हैं, उस पेस के साथ आप रनिंग स्टार्ट कीजिए। स्टार्टिंग में 1.5-2 किलोमीटर कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाते रहिए, 3-3.5 किलोमीटर बहुत होती है वो। एक दिन आप स्लो कीजिए, एक दिन आप थोड़ी फास्ट पेस के साथ कीजिए, जो मैंने अभी लास्ट में आपको करके दिखाई है, जिसमें आपका जो 1 किलोमीटर है, ठीक है, वो 1 किलोमीटर आपका 4:20, 4:25 या 4:30 में आपका कवर हो रहा है, वो 2.5 किलोमीटर आप कर सकते हैं। तो ये इनफ है फिटनेस के लिए, और थोड़ी बहुत ही जैसे एक्सरसाइज होती है स्ट्रेचिंग वगैरह, उसके बाद आप कर लीजिए, और थोड़ी बहुत ही जैसे हाई नी होती है जंपिंग वगैरह आप कर लीजिए, तो आप आराम से बिना जिम के भी फिट रह सकते हैं। मेन बात होती है कि आपका जो ब्लड है वो तेज़ी के साथ सर्कुलेशन उसका होना चाहिए रनिंग करते वक्त, ठीक है, तभी असर होता है कि कैलोरीज वगैरह आपको पता चलती है आपकी बर्न कर रही हैं। अगर सिर्फ अटेंडेंस लगाने आना है वो तो आप आराम से चल के भी पूरी कर सकते हैं, वो एक आपकी बस अटेंडेंस लग जाएगी, हाँ जी आपने मैंने कुछ किया। लेकिन अगर आप फिट रहना चाहते हैं, एक बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं, तो आपको एक पेस पकड़नी पड़ेगी। अगर आप स्लो पेस के साथ करते हैं तो 3-4 किलोमीटर आप पर डे कीजिए, ठीक है, और अगर आप ये थोड़ी फास्ट पेस के साथ कर रहे हैं जिसमें आपका 1 किलोमीटर 4:25, 4:30 का रहा है, वो आप 2.5 से 3 किलोमीटर ज़रूर कीजिए फिट रहने के लिए, और स्ट्रेचिंग वगैरह आप ज़रूर कीजिए। अगर स्ट्रेचिंग का आपको नहीं पता तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा है
कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिटनेस, हाई जंप और रनिंग के रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपके कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। तो बहुत ही जल्दी नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, हैव अ नाइस डे।